लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन लगातार नदियों के जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। इस संबंध में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बताया कि मौसम को देखते हुए नदियों के जलस्तर पर नजर रखी गई है। वैसे राप्ती नदी को छोड़कर सभी नदियों का जलस्तर घट रहा है। उन्होंने कहा कि वैसे जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए किए गए संसाधन उपलब्ध है। 180 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। उन्होंने बताया कि पड़ोसी जनपद आजमगढ़ के डीएम ने हम लोगों से सहयोग मांगा है, जिसे हम लोग भेजवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे जनपद में बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है, कहीं भी किसी प्रकार का खतरा नहीं है। जिलाधिकारी के विजयेंद्रन पांडियन ने बताया, देखिए जो अभी मौसम तो बादल तो है ही है, अब फिलहाल आप देख रहे हैं तो अभी कितने नदियां हैं, नदियां का पानी के लेवल घट रही है, गंगा का नदी के लेवल भी घट रही है, राप्ती में थोड़ा बहुत बढ़ी है, बट बाकी जो 6 नदियां हैं उसका ब्रांच नदियां हैं, सब में पानी के लेवल कम है। अभी फिलहाल कैचमेंट एरिया में कहीं कहीं बारिश हो रहा है। गोरखपुर में फिलहाल पिछले 2-3 दिन में बारिश नहीं था, हल्की फुल्की बारिश था, बट और आगे इलाका जो उस कैचमेंट एरिया है ऊपर नीचे का बारिश हो रहा है, इसलिए तो हम लोग तो अलर्ट में है, फुल अलर्ट में है। 180 हम लोग का बाढ़ चौकी पूरा अलर्ट में है और हर तहसील में हम लोग सूचना लेते रहते हैं जो उसका पानी का लेवल का स्थिति। उसके अलावा जो यहाँ आल वेदर एक स्टेशन हम लोग बना रहे हैं, वेदर स्टेशन वो चालू है गोरखपुर में या सदर में। उसके अलावा एक मॉडर्न आल वेदर स्टेशन भी हम लोग गोला में जल्दी कराने वाले हैं, उससे हम लोगों को जो 24 घंटे के अंदर जो बारिश का स्थिति है वो पता चल जाता है और नदी का रिपोर्टिंग जो कब स्तर बढ़ता है घटता है हम लोगों को रोज़ाना रिपोर्टिंग आ जाता है 1-2 घंटे में। अभी फिलहाल स्थिति तो कंट्रोल पे है, नियंत्रण पे है। जो भी यदि आगे भी भविष्य में भी पानी का लेवल बढ़ता है तो हम लोग 1-2 घंटे में ही उसको राहत दिलाने की स्थिति पे है हम लोग। वो आजमगढ़ जनपद से जिला अधिकारी ने बाढ़ राहत केंद्र का कुछ सहयोग मांगे हैं। जो भी अन्य जनपद लोग हमसे सहयोग मांगते हैं उसको सहयोग पूरा देते हैं, ताकि हम लोग पर्याप्त संख्या में सारा सामग्री इकट्ठा करके रखे हैं, भले वो जो बाढ़ संबंधित सामग्री हो नहीं तो उसका राहत संबंधित सामग्री हो, उसको किसी भी अन्य जनपद में ज़रूरत पड़ता हो तो हम ज़रूर भिजवा देंगे। अभी आजमगढ़ से डिमांड आया है, उसको हम भिजवा रहे हैं।